हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रहा है? क्योंकि एग्ज़ाम सर पे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं अभी। तो चलिए, पॉलिटिक्स का ऑलरेडी अमेंडमेंट में अपलोड कर दिया, जो अमेंडमेंट आपको करना है। आर्टिकल का भी 2 ऑलरेडी है और आज मैं जो है फाइनल, थर्ड एंड फाइनल दे दे रहा हूँ। इसको छोड़ के आर्टिकल आपको कुछ करना नहीं है, बेसिकली इसके बाहर तो आता ही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए दोस्तों। तो देखिए क्या है, इससे पहले दो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए, और ये थर्ड एंड फाइनल वीडियो है आर्टिकल के ऊपर। तो देखिए पहला क्या है, आर्टिकल 61 आपको करना है, जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है। इमरजेंसी जितने भी है, 3 इमरजेंसी में एकदम बाई हार्ड याद रखना है। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको याद रखना है। और ये भी कभी कभी पूछता है, आज तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी हुआ है कि नहीं, तो अभी तक कभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये भी पूछता है पहला स्टेट इमरजेंसी सबसे पहले कब किस में हुआ था, तो वो आपका आंसर हो जाएगा केरल में हुआ था। तो इससे पहले भी क्वेश्चंस दिया हुआ था, वो देख लीजिएगा। ये भी पूछ सकता है नेशनल इमरजेंसी किस लिए होता है, तो देखिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स टू इंडिया बाई वेयर हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या आर्म्ड रेबिलियन। ये आर्म्ड रेबिलियन बाद में इंसर्ट किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास ही पावर है, आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, खुद से नहीं कर सकते, कैबिनेट जब रिटन रिकमेंडेशन देगा तभी कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्टिकल 137 आपको करना है। इसमें क्या है, इट एनेबल्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अपना जो जजमेंट ऑलरेडी दे चुका है उसका रिव्यू करना, लेकिन अगर कोई लॉ बना हो पार्लियामेंट से तभी कर सकता है। आर्टिकल 51 में क्या बोला, इट कंटेन्स 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो ऐड किया 47 अमेंडमेंट 1976, कौन सा कमेटी, सोरेन सिंह कमेटी। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, पहले तो कितने फंडामेंटल ड्यूटीज से पूछ सकता है, कौन से आर्टिकल में है, कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुआ, या कौन किसका रिकमेंडेशन के बेसिस में, तो सब याद रखिए इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्टिकल 226, द हाई कोर्ट आर गिवन पावर ऑफ इशूइंग रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर अदर पर्पस। इसमें रिट्स इशू कर सकते हैं हाई कोर्ट, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स वायोलेशन हो रहा है तो आप जाके हाई कोर्ट में अपील करने से दे कैन इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 226। आर्टिकल 280 में क्या है, दिस इज फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिशमेंट, कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है फॉर एवरी 5 ईयर्स दोस्तों। चलिए दूसरा देख लेते हैं। अच्छा, इसमें देखिए आर्टिकल 52 क्या है, आर्टिकल जो उसमें एक प्रेसिडेंट, इंडिया में प्रेसिडेंट होना चाहिए, दैट इज आर्टिकल 52। आर्टिकल 50 में क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होना है, ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल कॉलेज कंसिस्ट होना है, उसमें हाउस ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट का भी मेंबर होना है। अच्छा, आर्टिकल 74 इसमें क्या है, प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सैलरी एंड विच शैल एड द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा और प्रेसिडेंट को वो एड करेंगे, हेल्प करेंगे। तो आर्टिकल 76 देख लेते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। आर्टिकल 79, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउस टू बी नोन रेस्पेक्टिवली एज अ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल। आर्टिकल 79 भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 89 इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा लिखना ये मिस हो गया, आप जरूर इसको देख लीजिए। आर्टिकल 89 में है, थोड़ा इसको देख लीजिए क्या है। हाँ, आर्टिकल 89 में दोस्तों वो रिगार्डिंग बोला गया है, चेयरमैन या डिप्यूटी चेयरमैन होगा काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा का, ठीक है। तो आर्टिकल 89 भी देख लीजिए। आर्टिकल 112 में दिया हुआ है, यूनियन बजट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसके बारे में दिया हुआ है, और ठीक है ये थोड़ा देख लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए आर्टिकल 148, जो CAG के बारे में बताया गया है, CAG अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। ये CAG का अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। एक चीज़ मैं बता दूँ, CAG का जो सैलरी या CAG ऑफिस का जो खर्चा है, दैट इज़ चार्ज्ड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जबकि CAG का जो डिपार्टमेंट है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वो फिर वोटिंग होता है। ये क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, ये भी थोड़ा आप याद रखिए। आर्टिकल 49 में क्या है, देखिए आर्टिकल 49, द आर्टिकल्स डील्स विद द पावर एंड ड्यूटी ऑफ CAG, CAG का पावर एंड ड्यूटी आर्टिकल 149 में दिया हुआ है। अच्छा, आर्टिकल 153 क्या है, गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर है होना चाहिए, उसमें दिया हुआ है। आर्टिकल 214 में दिया हुआ है हाई कोर्ट होना चाहिए हर स्टेट में। आर्टिकल 360 में दिया हुआ है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 368 में पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए।
Article 300A, it deals with person not to be deprived of property saved by authority of law. Actually, ये right of property deal करता है Article 300A. Article 223A क्या है कर रहा है? Provide for the establishment of administrative tribunals by the parliament. इसमें administrative tribunal का establishment करने का power है Article 323A में. ठीक है दोस्तों. लास्ट दो देख लीजिए. आर्टिकल 61 जिसमें आपका इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का दिया हुआ है, इम्पीचमेंट हो सकता है. और आर्टिकल 370 जो जेएनके के स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस के लिए दिया हुआ है. तो दोस्तों यही था बाकी आर्टिकल. ये तीन में आपका पूरा आर्टिकल जितना आपको करना है मैंने पूरा कवर अप कर दिया है. इसके बाहर से यूजुअली कभी नहीं देता है तो ये कर लीजिए तो आपका आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा. अमेंडमेंट भी मैंने ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ दो, तो वो भी कर लेंगे. तो आर्टिकल अमेंडमेंट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आईबी के एस्पेक्ट में देखें तो बहुत सारा क्वेश्चन है, एसएससी में भी बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं, तो ज़रूर देख लीजिए दोस्तों. अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों. फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ. टिल देन गुड बाय.